हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आधुनिक घरेलू चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे लाफिंग बुद्धा के बारे में। जिस तरह हिंदू धर्म में कुबेर को धन वृद्धि करने वाला माना गया है, उसी तरह लाफिंग बुद्धा को सुख और धन समृद्धि लाने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय यदि आप इन्हें एक बार देख लें तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को अपने घर, ऑफिस व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखे हुए देखा होगा। यदि आप भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहते हैं तो कुछ बातें ज़रूर जान लें। सबसे पहली बात यह है कि इनकी पूजा नहीं की जाती है, इन्हें सिर्फ मंगल प्रतीक के लिए रखा जाता है, इसलिए इन्हें देवी देवताओं के साथ ना रखें। मुख्य दरवाजे को देखता हुआ लाफिंग बुद्धा धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना जाता है, इसलिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में ऐसी जगह पर रखें जहां मुख्य द्वार से आने जाने वाले हर व्यक्ति की नज़र सीधे मूर्ति पर पड़े। इससे घर में खुशहाली आती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी ज़मीन में नहीं रखना चाहिए और बेडरूम, किचन या बाथरूम में भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति गिफ्ट में मिले तो ज़्यादा शुभकारी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लाफिंग बुद्धा को स्वयं खरीद कर घर या ऑफिस में रख सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के लाफिंग बुद्धा की मूर्तियाँ मिलती हैं। हर रूप का अपना विशेष महत्व होता है। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा अलग अलग तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर में सुख शांति का वास होता है और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। एक हाथ से पंखा करते हुए लाफिंग बुद्धा को सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। सोने के सिक्के पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की छोटी सी मूर्ति घर में रखने से पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। 2-3 फीट लंबे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति ऑफिस में रखने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। दोस्तों, घर की नकारात्मक शक्तियों को यदि घर से दूर रखना चाहते हैं तो ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हाथ में पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा घर समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति को अपने घर में रखें जिसमें वह कई सारे बच्चों के साथ बैठे हों। जो लोग जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन्हें धातु की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, जब आप मार्केट में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को खरीदने जाएं तो यह ज़रूर पता करें कि वह प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो नहीं बनी है, क्योंकि इनकी मूर्ति को एक विशेष प्रकार की मिट्टी, जिसे सिरामिक बोलते हैं, उसी से बनाया जाता है और यही बिल्कुल सही और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली होती है। दोस्तों, हमारी बस यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।